देखा भी आज भी को पता लग जाएगा क्या है हम जाट मेजोरिटी क्या है किस पता लग जाएगा भूस भर देंगे सारे हाथ में बोलन भी नहीं देने के यहाँ से आने के क्षत्रिय खून है जी हम किसी का पैर नहीं पकड़ सकते सर तो काट सके लेकिन पैर नहीं पकड़ सकते ये हमारा दावा है। नमस्कार स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर मैं हूं नवीन चौहान। 2022 चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने जाटों पर सवाल उठाया उनका अपमान करा और साफ कहा कि कवाल दंगों के बाद मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाटों ने मौलानाओं के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगी कि हमारी गलती हो गई। जो देश की शान मानी जाती है जाट कम्युनिटी उस पर सवाल उठाकर अब वो तो घिरे रहे हैं साथ ही रोष अब जाटों में जबरदस्त दिख रहा है। वो साफ बोल रहे हैं कि जो बॉर्डर से खेल के मैदान में डटा हुआ है वो इस तरीके से किसी के सामने झुक नहीं सकता और तमाम लोग हमारे साथ हैं जो जाट कम्युनिटी के उनसे बातचीत करते हैं किस तरह से देखते हैं। एक अबू आजमी जो मुस्लिमों के नेता हैं वो कह रहे हैं कि जाटों ने कवाल दंगों के बाद मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मौलानाओं के पैर पकड़कर माफी मांगी। ऐसा नहीं है, जाट जो है वो बेमानी कौम है अपने बलबुते पर जीती आई है पहले से आज से नहीं जब से इतिहास ठा लो जब से सृष्टि हुई होगी तो जब से जाट पैदा हुआ होगा जब से कोई भी हुई होगी जाट अपने बलबुते पर जीता आया है अपने लटके बलबुते पर जीता आया। किसी से माफी तो मांगने की बात तो किसी का मौलाना हो या कोई भी हो कभी भी किसी से माफी नहीं मांग सकता। जाट अपने स्वाभिमान से जियागा आगे भी जीतता रहेगा और ऐसे से तो 50 आ जाओ तब भी जाट माफी नहीं मांगे ऐसे से दंगे 50 दंगे अबू आजमी को क्या जवाब दोगे जो इस तरीके से अपमान कर रहा है एक कम्युनिटी का। अबू आजमी आगे तो आदमी में बोल के तो दिखाओ जाट के आगे वहां बैठ कर कैमरे का आगे बैठ कर तो किसी को कोई कुछ भी कह लो हम भी कह सकते हैं किसी बिरादरी को यहाँ का बोल लो देख अबू आजमी को पता लग जाएगा क्या है हम जाट मेजोरिटी क्या है किसी पता लग जाएगा भूस भर देंगे सारे हाथ में बोलन भी नहीं देने के यहाँ से आने के पाने का भी अबू आजमी कहाँ है कहाँ नहीं है। अब आपको लगता है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए जो ये कह रहे हैं कि जाटों ने माफी मांगी पैर पकड़कर। हाँ उसे माफी मांगनी चाहिए मैं तो अखिलेश जी से भी कहता हूँ उसे पार्टी से बाहर कर दे इस तरह के बयानबाजी कर। अखिलेश जी तो उस पर एक शब्द नहीं बोले अब तक बोलना चाहिए अखिलेश जी को भी मुसलमान चिढ़ जाएगा ना राजनीति भी तो है भैया। नहीं कोई मुसलमान नहीं चिढ़ेगा ऐसे बेहुदे आदमी से मुसलमान क्यों चिढ़ेगा जो सही मुसलमान है वो इस तरह की बयानबाजी नहीं करने का जिस तरह इन्हें कर रखी क्यों चिढ़ेगा मुसलमान मुसलमान है अपने वो होगा अपने उसे देखो जाट को कोई जिच्चा दिखा के जीत वो हो जाएगा मुसलमान बहादुरी हो जाएगी ये। आप क्या कहेंगे क्या अबू आजमी को उसके खिलाफ लोग खड़े हैं क्या सिर्फ माफी से आप लोग शांत हो जाएंगे या उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए उस पर माफी तो थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए उस पर उसे सरकार से उससे वो कर दे पार्टी से निकाल दे उसे ये बेहुद्दी बात करे पार्टी तुरंत निकालना चाहिए और जाटों से माफी मांगनी चाहिए समाज को तोड़ने का काम कर रही है ऐसे लोगों को पार्टी एकदम निकालना चाहिए खुद ये गुनाहगार है और जाट बिरादरी माफी मांगनी चाहिए और अखिलेश को एक आप लोगों को भी लगता है जैसे वो बोल रहे हैं कि कोई गलती हो गई थी उस दंगे के बाद जाटों से। गलती किसी की नहीं हुई ये दोनों तरफ से गलती है सबने ये चौधरी साहब ने चौधरी अजीत सिंह ने सब बैठा कर समझा दिए थे सब भाई आपस में रहो अपना काम करो ये बात है। कोई पैर नहीं पकड़े गए ना किसी से माफी मांगी गई ना कुछ करा गया। आप क्या कहेंगे भैया युवा हैं किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं। क्षत्रिय खून है जी हम किसी का पैर नहीं पकड़ सकते सर तो काट सके लेकिन पैर नहीं पकड़ सकते ये हमारा दावा है। हम पैर पकड़ेंगे किसी के हमारी क्या गलती है जो हम पैर पकड़ेंगे। अरे हम तो स्वाभिमानी आए हैं हम तो क्षत्रिय है हम पैर नहीं पकड़ेंगे। तो अबू आजमी को आप क्या कहेंगे क्या अबू आजमी ने जानबूझकर बयान दिया कि वो मुस्लिमों का ये सब राजनीतिक है ये सब राजनीतिक चाल है ठीक है हमें पता है ये कहां कहां से अपने बयानबाजी अपने जो है चुनावी अपने डंका बजाने के लिए जो कर रहा है करे करने दो इससे हमें पर कोई फर्क नहीं पड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ने का हमें से। लेकिन क्या इस बयान को सुनने के बाद एक दर्द है क्या अंदर की जिस तरह तो होगा किसी बिरादरी को उस तरह कहेगा किसी कौम को कहेगा देखो क्यों कह रहा वो अपनी बिरादरी को कहो या किसी और को कहो जाटों को क्यों कह रहा जाट तो देश के ऊपर मरता मिटता है पहले से मिटता है कोई आज नया थोड़ा ही मिट रहा जाट तो अपने उसमें पहले से अभी सबसे आगे छत्ते डावे दंगा हो या किसी तरह का हो और बिरादरी के 36 बिरादरी का रख रखाव रख रहा वो तो जाट अब फिर उसी पर इस तरह की बात कहोगे तो क्या होगा उस पर जाट ने कभी भी झुकने का किसी से ना झुका। लगता है कि ऐसे बयान देने से जो
जो नेता जो और तमाम लोग हैं वो उनके पक्ष में जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने का। एक बार नेता तो बयानबाजी हर चुनाव से पहले करवाते हैं, पहले ही, और करते रहो, सा किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जाट है, जाट जहाँ है वो वहीं रहेगा। जी से क्या मांग है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के? अब तक कोई एक्शन नहीं, उनसे आपकी क्या मांग है? मारे तो उनसे यही मांग है सर, साले को बाहर काट दे पार्टी से, तुरंत बाहर काट दे। और अगर वो नहीं करते तो? ये सब जानती है जनता, तुरंत बाहर काट दे, इसका अंजाम बुरा होगा। मतलब आप फिर ताकत दिखाएंगे? ताकत हमारे में पहले से ही है, अपनी ताकत जानते हैं, जाट है, चौधरी है, सब भाई है, किसान भाई। क्या कहेंगे भैया, युवा हैं और भी इधर लोग हैं, आप बताइए जी किस तरह से देखते हैं? अबू आजमी ने कहा कि मुसलमानों के मौलानाओं के पैर पकड़े जाटों ने और माफी मांगी। जाट तो कभी झुक ही नहीं सकता, ना झुका आज तक। सबसे बढ़िया बात तो एक जाट आज तक झुका ही नहीं कहीं भी, नाड़ तो कटवाया सके पर झुकने का नहीं। लेकिन ये अपमान नहीं मानते आप इससे बड़ा? श्री भगवान को ठेस पहुंच रही इससे, तो झुकने का नहीं हम। क्या कहोगे अबू आजमी को? उसे तो देशद्रोही का वो देंगे हम, देशद्रोही है और क्या दुआ हो तुम इसे? आप देशद्रोही मानते हैं सब? बिल्कुल बिल्कुल। आप समझ सकते हैं जिस तरीके से वो बयान दिया, और भी लोग हैं यहाँ पर, तमाम लोग जुट चुके हैं। जैसे ही उन लोगों को पता चला किस तरह का बयान हुआ, और लोगों में रोष बहुत ज्यादा है कि आखिरकार जाट कम्युनिटी का ऐसा अपमान क्या है, और साफ तौर पर लोगों ने यह कह दिया कि उसे पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए अखिलेश यादव को, अगर वो ऐसा नहीं करते तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहे। 2022 चुनाव से ठीक पहले इस तरह की बयानबाजी के बाद अब कहीं ना कहीं जाटों ने साफ कह दिया कि वो स्वाभिमानी कौम है, इस तरीके से किसी के सामने झुक नहीं सकती। आप इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिए और साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया से, सब्सक्राइब कीजिए। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।